इतनी अच्छी केयर की जा रही है और आराम से पशु इतना अच्छा दूध दे रहे हैं। और ये फीड आप देख रहे हो, यहाँ पे फीड कौन सा खिलाते हैं, तो ये देख लो, ये बिनोला की खल है, ये कौन सा सिंक मूंगफली का है ना, मूंगफली का ये मूंगफली वाला फीड है, पापड़ टाइप का बना रखा है। तो ये सभी भैंसों के लिए इतना फीड तैयार कर रखा है, एक पशु के लिए ये फीड है ना, तो एक पशु के लिए इतना सारा फीड है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनो डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे जाफराबादी नस्ल की भैंसे किस प्रकार के वातावरण में रहती है, और आज जो हम आपको भैंसे दिखाने जा रहे हैं वैसे भैंसे आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी पूरे गुजरात में। तो आज गुजरात में हम भावनगर में है, तो एक से बढ़कर एक भैंस अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली है, टॉप से टॉप है जाफराबादी के अंदर, कुंडी सिंह वाली, टोपली वाली, और हाइट में देखे तो आप फुल हाइट वाली। दूध के बारे में बात करें तो 15 से 25 लीटर तक यहाँ पे दूध देने वाली भैंस है। तो ये आपको दिखाते हैं एक एक करके, इस प्रकार से आप देख सकते हो ये भैंस है, बहुत ही अच्छी है। हाइट में भी आप देख सकते हो, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, और आगे आपको और विजिट करवाएंगे। सारी भैंस अच्छी अच्छी है, नस्ल पे ज्यादा फोकस है यहाँ पे, सारी अच्छी ब्रीडिंग करके अच्छी नस्ल तैयार कर रखी है इन्होंने। कहते हैं आपको इधर ये देख सकते हो आप, ये भी जाफराबादी के अंदर ये भी अलग ही है एक, ये भी बहुत बढ़िया है हाइट में, और पीछे आप देख रहे हो वो भी बहुत अच्छी है, टोपली है जाफराबादी के अंदर। तो इस प्रकार की भैंसे यहाँ पे है, और भी बताएंगे आपको यहाँ पे। और आप शेड देख सकते हो किस प्रकार, बहुत सारे पशुपालक भाई बोलते हैं कि हम जाफराबादी भैंसों का शेड बनाएंगे, बाद में हम अगर डेयरी फार्म का काम करेंगे तो बाद में करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल कम से कम खर्चे में यहाँ पे शेड बना रखा है, केवल आप देख रहे हो लोहे के ये ऊपर डाल रखे हैं, और इसके ऊपर जवार डाल रखे हैं छांव होने के लिए, और नीचे पौधा है, तो ये पौधे से क्या छांव रहती है, तो पशु आराम से यहाँ पे पूरे दिन बैठे रहता है। और नीचे कच्ची जमीन है, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, और लाखों रुपए इसका दूध सेल करके कमा रहे हैं। और इनको खाने में ये क्या खिलाते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं, तो आइए इधर। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो ये जवार है, तो ये जाफराबादी भैंसों को यहाँ पे गुजरात में खिलाते हैं। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि हम गुजरात से लेके जाते हैं, जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र देख लो आप, एमपी देख लो, यूपी देख लो, सभी जगह बोलते हैं सुटेबल नहीं होती है। तो आप एक बार यहाँ का खान पान भी देख लिया करो कि यहाँ पे भैंसे रह रही है तो किस प्रकार से है, कौन से वातावरण में रह रही है, क्या इनका खान पान है, कैसे रह रही है, कैसे है इनको फीड खिलाते हैं, तो वो भी आप देख के अपने फार्म पे एक बार ये इस प्रकार का चारा भी खिलाओगे तो यहाँ की भैंसे आराम से वहाँ पे सेट हो जाएगी। और इधर आपको और बताते हैं, ये भी देख सकते हो सेट नॉर्मली है, तो नॉर्मल सेट में भी सारी भैंसे आराम से देख लो नीचे बैठी है, और ऊपर देख सकते हो पौधा है, तो पेड़ से छांव आ रही है, तो आराम से ये भैंसे यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये भी एक से बढ़ के एक भैंस है, सिंह के पैटर्न में आप देख सकते हो हाइट में, और देख लो सारी भैंसे अच्छी है, इतनी सारी कम से कम यहाँ पे देख के तो 30 के करीब भैंसे होगी। और आपको और भी दिखाते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो पीछे आप देख लो एक बार, तो सारी भैंसों का दूध होता है, तो ये इतनी सारी कैन रखी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे इतनी भैंसे हैं, तो दूध भी इतना होता है आराम से, 60-70 लीटर होगा, 60-70 लीटर से भी ज्यादा होगा यहाँ का दूध एक टाइम का। और तो दोस्तों यहाँ पे जो आप भैंसे देख रहे हो इस प्रकार के वातावरण में आराम से रहती है, और यहाँ पे क्या सारी 30 भैंसे है, 30 भैंसों के अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके सेट बना रखा है। और दूध के बारे में बात करें तो एक टाइम का दूध होता है 150 लीटर, यानी पूरे दिन का 300 लीटर दूध होता है, और 70 रुपए लीटर में यहाँ का दूध जाता है सभी भैंसों का, तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं दूध बेच के। और आप सेट देख लो, इतने नॉर्मल सेट में भी देख लो पशु की इतनी अच्छी केयर की जा रही है, और आराम से पशु इतना अच्छा दूध दे रहे हैं। और ये फीड आप देख रहे हो, यहाँ पे फीड कौन सा खिलाते हैं, तो ये देख लो, ये बिनोला की खल है, ये कौन सा सिंक मूंगफली का है ना, मूंगफली का ये मूंगफली वाला फीड है, पापड़ टाइप का बना रखा है। तो ये सभी भैंसों के लिए इतना फीड तैयार कर रखा है, एक पशु के लिए ये फीड है ना, तो ये एक पशु खाता है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये बिनोला ऐसा है जिससे दूध बढ़ता है भैंसों का, और ये जो भी फीड देख रहे हो दो प्रकार के खिलाते हैं, दोनों ऐसा फीड है जिससे पशु का दूध बढ़ता है। बहुत सारे भाई अलग अलग 5-6 प्रकार के फीड खिलाते हैं, पर यहाँ पे दो खिला रहे हैं, तो भी आप देख सकते हो 70-75 रुपए लीटर दूध जा रहा है, और एक भैंस की दूध की क्षमता है आराम से 10-12 लीटर तक दूध देने वाली यहाँ पे भैंस है। दोस्तों दे आप पूरा वीडियो देखना और कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी भैंसों के लिए आराम से बैठी हुई व्यवस्था भी अच्छी कर रखी है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।